अब कीमत कौन चुकाएगा ये तो वक्त बताएगा, तो वक्त बताएगा कि जो बोल रहे हैं कि हम लोग ये किए हैं, तो मान लो कि अब ये हम लोग कैसे बताएं कि जैसे बड़ा दल के रूप में भाजपा है अभी वीआईपी को मिलाने के बाद, तो हम लोग सोचे कि सेकुलर ताकत को मजबूत किया जाए, क्योंकि काफी कभी भी कुछ हो सकता है भाजपा और जदयू में, तो इसके लिए अगर बड़े पार्टी को अगर दावत किया जाता है तो उसमें भाजपा को दावत किया जाता है और भाजपा हर तरह की शक्ति का इस्तेमाल करके अपना सत्ता स्थापित कर दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 3 दिन पहले बिहार में एक सियासी खेल हुआ और जिस तरह से आरजेडी के पाले में चले गए एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक, उसके बाद बिहार में जिस बड़े खेल के कयास लगाए जाते हैं उन कयासों को और मजबूती मिली है। 4 विधायकों को साथ ले जाकर भी तेजस्वी यादव का गणित पूरा नहीं हुआ है, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि बिहार में कोई बड़ा सियासी उलटफेर और बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। हमारे साथ उन 4 विधायकों में से एक विधायक हैं जो एआईएमआईएम छोड़कर आरजेडी में गए हैं, बहादुरगंज से विधायक हैं अंजार नईमी साहब, उनसे हम बात करेंगे। और जाहिर तौर पर नईमी साहब जो सबसे बड़ा सवाल होगा और सबसे पहला सवाल होगा वो यही होगा कि आखिरकार क्यों ये जरूरत पड़ी, अभी कोई चुनाव नहीं था, तेजस्वी यादव का गणित भी पूरा नहीं हो रहा था आपको एआईएमआईएम छोड़कर आरजेडी में जाने की। देखिए, परिस्थिति अभी जो देश का जो है, पूरे देश का जो एक सांप्रदायिक जो मतलब ये चल रहा था उसको रोकने के लिए बिहार का जो परिस्थिति बन रहा था, तो अभी सबसे बड़ा दल के रूप में भाजपा है अभी वीआईपी को मिलाने के बाद, तो हम लोग सोचे कि सेकुलर ताकत को मजबूत किया जाए, क्योंकि काफी कभी भी कुछ हो सकता है भाजपा और जदयू में, तो इसके लिए अगर बड़े पार्टी को अगर दावत किया जाता है तो उसमें भाजपा को दावत किया जाता है और भाजपा हर तरह की शक्ति का इस्तेमाल करके अपना सत्ता स्थापित कर दिया जाता है, इसलिए हम लोग उसको रोकने के लिए राजद को सपोर्ट किए हैं। आप ये कह रहे हैं या फिर जो मैं समझ पा रहा हूँ, तेजस्वी यादव ने आपको इस तरह से कन्विंस किया और आपको भी यही लगा कि जिस तरह से जेडीयू बीजेपी के बीच का टकराव है बहुत जल्द और किसी भी पल किसी भी दिन जितनी जल्दी हो सके बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती दरक सकती है, फिर बीजेपी बड़ी पार्टी होने के नाते कोई सियासी खेल जैसे महाराष्ट्र दूसरी जगहों पर करती है वो कर सकती है, इसीलिए आपने सबसे पहले बड़ी पार्टी होने का अधिकार या बड़ी पार्टी होने का जो दावा बीजेपी का वो छीन लिया, इसीलिए आपको जाना पड़ा। तेजस्वी यादव ने भी आपको यही समझाया, कहा नहीं हम लोग परिस्थिति देखे ऐसा, हम लोग ऐसा परिस्थिति देख करके ही हम लोग गए, और वैसे भी हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है तो चूंकि इतनी अराजकता फैल रही है, चाहे वो भाजपा के द्वारा हो चाहे एआईएमएम या एआईएमआईएम के द्वारा हो, तो जो आज परिस्थिति बना हुआ है तो हम समझते हैं कि यही दोनों पार्टियां देश में भाईचारगी को खत्म कर रहा है, मतलब एक जो हमारा जो गंगा जमुनी तहजीब को खत्म कर रहा है, तो हम लोग यही सब को रोकने के लिए। तेजस्वी यादव से क्या बात हुई थी नहीं, उनसे तो हमारा डायरेक्ट बात नहीं था, हम लोग पार्टी के लोग उसके कुछ कह रहे थे, कन्विंस कर रहे थे, हम लोग ऐसे थे इस पे, लेकिन हम लोग विचार किए 4 आदमी मिल करके कि सेकुलर ताकत को मजबूत किया जाए, इसलिए हम लोग लालू यादव से भी मिले। लालू यादव से क्या बात, हम लालू यादव ने क्या कहा? जिस दिन हम लोग ज्वाइन कर रहे थे उसी दिन लालू जी से मिलने के लिए गए थे हम लोग, उनसे मिलवाया था। लालू जी ने क्या कहा? कहे वो कुछ नहीं, वो तो बहुत कम बोलते हैं, उस दिन हम लोग को आशीर्वाद दिए वो अपना कि आप लोग बेहतर ढंग से काम। आपकी पुरानी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने कहा कि इसकी कीमत आप लोगों को चुकानी पड़ेगी और आप लोगों को तेजस्वी यादव ने खरीदा है। अब कीमत कौन चुकाएगा ये तो वक्त बताएगा, तो वक्त बताएगा कि जो बोल रहे हैं कि हम लोग ये किए हैं, तो मान लो कि अब ये हम लोग कैसे बताएं कि जैसे हमारे जो क्षेत्र का जो समस्या है, हमारे लोगों की जो आकांक्षाएं थी कि भाई जैसे जो कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस पार्टी का हेडक्वार्टर हैदराबाद है, लोग हैदराबाद से कुछ चाह भी रहे थे कि जैसे अब हमारे यहाँ कुछ अगर बड़ी बीमारियां होती है लोग तो बड़े शहर जैसे दिल्ली हैदराबाद मुंबई की तरफ पलायन करते हैं इलाज के लिए, तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग कभी जरूरत पड़ता था लोग हम लोग से अप्रोच करते थे तो वहां से कोई हम लोग को सपोर्ट नहीं मिलता था, कई बार हम लोग को काफी इस बेइज्जती का सामना करना पड़ा, हम लोग हाईकमान से इस बात को रखे भी कि भाई इस तरह का कोई वहाँ कॉल सेंटर बनाया जाए जिससे हम लोग वहाँ के लोग आपसे अब नहीं बात हो पा रही है, तो हम लोग कॉल सेंटर किसी आदमी को आप वहाँ ये मुतैद कर दीजिए
कि वहाँ वो रहे, उससे हम लोग बात कर पाए और हम लोग जो हमारे लोगों की जो उम्मीद है कि हम लोग जाएंगे तो वहाँ बेहतर हम लोग को सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक सपोर्ट नहीं, एक मोरल सपोर्ट चाहिए था लोगों को वहाँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। नहीं साहब, जब विकास की बात ही है, अपने लोगों के विकास की बात है, अपने क्षेत्र के विकास की बात है, तो आपको तो जेडीयू ज्वाइन करना चाहिए था, सत्ताधारी पार्टी में। नहीं, जेडीयू चूंकि वो जब तक भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ नहीं होता तो हम लोग जेडीयू में जाने में कोई परहेज नहीं था, क्योंकि हम लोग सांप्रदायिक ताकतों को से दूर होना चाह रहे थे जी, तो इसलिए हम लोग राजद ज्वाइन किए। राजद चूंकि बड़ी सेकुलर पार्टी अच्छा, है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद कोई खेल होता हुआ देख रहे हैं क्या अभी? उस बारे में तो हम अभी कुछ अनभिज्ञ हैं, हम नहीं कह पाएंगे कि क्या परिस्थिति होगा, उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो तो हमारा पार्टी नेतृत्व ही बता पाएगा। पार्टी नेतृत्व बता पाएगा, तेजस्वी यादव को सीएम बनता हुआ नहीं देख रहे हैं? नहीं, हम लोग तो चाह रहे हैं कि हम लोग की भी ये भी है कि भी जल्द से जल्द सीएम बने, क्योंकि आज सबसे बिहार की सबसे नहीं, एक, एक, एक बड़ा पार्टी बन के आए हैं, पार्टी के विधायक के तौर पर नहीं, राजनीति में आपका अनुभव काफी अच्छा खासा है, ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों को आपने न जाने कितनी बार देखा होगा। बिहार में जेडीयू बीजेपी के बीच का जो टकराव है, जो स्थिति परिस्थिति है, उससे क्या देख पा रहे हैं, क्या इस दोस्ती की एक्सपायरी डेट आ गई है, बिहार में सत्ता परिवर्तन संभव है, नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, उनके मन में कुछ और चल रहा है? राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा है कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि लेकिन सरकार चल नहीं रही है, सरकार जो है ना मतलब वो घसीटा जा रहा है, जैसे आज टोटल विकास का काम सारा ठप पड़ा हुआ है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बस एक दूसरे पर वो लोग मतलब सिर्फ लॉन्छन लगा रहे हैं, भाजपा के विधायक कुछ बोल रहे हैं, जदयू के विधायक कुछ बोल रहे हैं, तो एक दूसरे पर सिर्फ वो आरोप प्रत्यारोप ही हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है, सारा कुछ ठप हो चुका है, तो इसलिए नीतीश कुमार जी को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेके बिहार के विकास के लिए कुछ करें, वो इस तरह का जो रसाकसी जो चल रहा है इसको लुढ़ा कुश्ती को बंद करें। एक एक आखिरी सवाल होगा, सवाल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से जुड़ा हुआ है। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तो उन्होंने आपकी पार्टी के जिस नई पार्टी में आप आए हैं उसके जो कर्ता धरता है तेजस्वी यादव, उनको एक तरह से खड़ी खोटी सुनाई और कहा कि सत्ता पक्ष तो जोड़ तोड़ की सियासत में लगा हुआ ही है, जोड़ तोड़ में लगा हुआ ही है, विपक्ष भी अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभा रहा है और विपक्ष भी विधायकों को तोड़ने में लगा हुआ है, ये सही विपक्ष का काम नहीं है। तोड़ने के हम लोग स्वेच्छा से चाह रहे थे, क्योंकि हम लोग इस पार्टी में रहना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हम लोग स्वेच्छा से गए, इसलिए पार्टी तोड़ने का काम नहीं किया है, हम लोग जाकर के उनसे मिले हैं। तो चलिए, हमारे साथ अंजार नईमी साहब थे और इनसे हम बातचीत कर रहे थे। लगातार जिस तरीके से बिहार में सियासी खेल हुआ है और जाहिर तौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण वजह इन्होंने बताई, आरजेडी को जो लगता है, इनको जो लगा, जो इन्होंने बताया कि बिहार में बीजेपी कोई भी बड़ा खेल कर सकती थी, बिहार में कोई सियासी उलटफेर होता तो बड़े बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती थी, बीजेपी के पास खेल के लिए हथियार था बड़ी पार्टी के रूप में, इसीलिए इनको आरजेडी को बड़ी पार्टी बनाना पड़ा आरजेडी में शामिल होकर। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।